तो चलिए बिना देरी तरीके अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं कम्युनिकेशन नेटवर्क से आप क्या समझते हैं ए नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन रिप्रेजेंट्स रिप्रेजेंट पैटर्न ऑफ कॉन्टेक्ट अमंग मेंबर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एक नेटवर्क जो होता है कम्युनिकेशन का वो क्या बताता है वो बताते कि किस तरीके का पैटर्न एक ऑर्गेनाइजेशन यूज कर रही है या किस तरीके का एक पैटर्न है मेंबर्स के बीच में एक ऑर्गेनाइजेशन के

ये जो नेटवर्क है वही क्या दर्शाता है वही दर्शाता है कि किस स्पीड से किस एक्यूरेसी के साथ और किस स्मूथनेस के साथ एक मैसेज सेंडर से रिसीवर तक पहुंचाया जाएगा या थ्रू आउट ऑर्गेनाइजेशन पहुंचाया जाएगा वेन the नेटवर्क contains सेवरल फिल्टरिंग points, the मैसेज में गेट dis शॉर्टेड एंड द रियल पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन मे भी लॉस्ट जब एक नेटवर्क में कम्युनिकेशन नेटवर्क में या बोल लीजिए नेचर ऑफ चैनल ऑफ कम्युनिकेशन में बहुत सारे फिल्टरेशन पॉइंट होते हैं की एक मैनेजर दो मैनेजर तीन मैनेजर चार मैनेजर पांच मैनेजर तो उस केस में क्या होता है जो मैसेज है जो ओरिजिनल मैसेज है वो क्या हो जाता है चेंज हो जाता है फाइनल रिसीवर तक पहुंचने तक ही और जो मेन कम्युनिकेशन का पॉइंट होता है पर्पज होता है वो भी क्या हो जाता है कहीं गुम हो जाता है

अपर मैनेजमेंट के सुपरवाइजर ने अपने अंडर वाले को बताया उसने नेक्स्ट so से स्टार्ट होके ए पे ही आके खत्म होता है उसको क्या बोलते हैं सर्कल नेटवर्क व्हील नेटवर्क ऑल सबोर्डिनेट अंडर वन सुपीरियर कम्युनिकेट थ्रू हिम ओनली एज ही एक्ट्स एज हब ऑफ व्हील जो व्हील नेटवर्क होता है उसमें मान लीजिए ये सेंटर में सब है इसको अगर इस वाले बंदे को कोई बात बतानी है अगर ए को बी को कोई बात बतानी है तो वो डायरेक्ट जाके नहीं बताएगा वो क्या करेगा वो पहले अपने सुपीरियर को बताएगा वो सुपीरियर मैसेज को आगे ट्रांसफर करेगा वही सेम अगर सी को डी को कोई बात बतानी है तो सी क्या करेगा पहले सुपीरियर को बताएगा और फिर जाके डी तक वो बात पहुंचेगी तो दिस इज टर्म्ड एज व्हील की जो सेंटर पार्ट है दैट इज सुपीरियर सुपीरियर एज अ हब काम करता है फोर्स जो आता है फ्री फ्लो और ऑल चैनल नेटवर्क फ्री फ्लो क्या होता है कहीं पे भी किसी की भी बात किसी बातचीत किसी से भी हो रही है हर कोई हर किसी से कम्युनिकेट कर रहा है उसको बोलते हैं फ्री फ्लो और ऑल चैनल नेटवर्क नेक्स्ट ब्लास्ट जो आता है दैट इज इनवर्टेड क्या होता है जो सब ऑर्डिनेट्स अलाउ करते हैं सब ऑर्डिनेट को अलाउ किया जाता है कि वो अपने इमीडिएट सुपीरियर से शेयर कर सकते हैं कुछ भी बात वो क्या कहलाता है इनवर्टेड वी नेटवर्क तो यही हमारे थे नेटवर्क के टाइप्स की किस तरीके से इंफॉर्मेशन फ्लो होती है एक ऑर्गेनाइजेशन में कौन से चैनल्स जो होते हैं वो किस तरीके का नेटवर्क अपॉइंट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक है डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन को समझने से पहले एक चार्ट है जो आपको पता होना चाहिए टाइप ऑफ कम्युनिकेशन तीन तरीके से होती है चैनल से किस माध्यम से किस दिशा से और क्या तरीका अपनाया जाएगा तो चैनल जो है फॉर्मल और इनफॉर्मल होता है डायरेक्शन में डाउनवर्ड नीचे की तरफ ऊपर की तरफ सब डाउनवर्ड में आ जाएगा आपका सुपीरियर से सब अपवर्ड में आ जाएगा सब से सुपीरियर हॉरिजॉन्टल में आ जाएगा सुपीरियर टू सुपीरियर या सेम लेवल मैनेजर्स वही मेथड जो होते हैं, औरल, रिटन और होते हैं ओरल और हैं इनमें से हमने चैनल ऑफ कम्युनिकेशन ऑलरेडी कर लिया है अपने प्रीवियस लेक्चर में अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप हाँ, हमारी चैनल की प्ले में जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं अब जो हम करेंगे वो होगा डायरेक्शन एंड मैथड तो डायरेक्शन क्या है सबसे पहला डाउनवर्ड डायरेक्शन फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम टॉप लेवल टू दी लोअर लेवल और सबोर्डिनेट एज एस सच एंड इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द मैनेजर टू सबोर्डिनेट डाउनवर्ड क्या होता है जब टॉप लेवल मैनेजमेंट से लोअर लेवल मैनेजमेंट तक किसी इंफॉर्मेशन को पहुंचाया जाता है वो क्या कहलाती है डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन नेक्स्ट आती है अपवर्ड डायक्शन ऑफ कम्युनिकेशन सेम जब सबॉर्डिनेट की बात को टॉप लेवल तक पहुंचाया जाता है तब आती है अपवर्ड डायरेक्शन बिटवीन टू और मोर पर्सन वर्किंग एट अ सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी जब किसी इंफॉर्मेशन का एक बंदे से दूसरे बंदे तक पहुंचाई जाती है लेकिन वो सेम लेवल पे काम करते हैं तो वो क्या कहलाती है होरिजोनटल डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन आई होप आपको अभी तक का लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा तो चलिए आज के लास्ट चैप्टर लास्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं दैट इज मैथड्स ऑफ कम्युनिकेशन कौन कौन से मैथड्स हैं? ओरल रिटर्न एंड जेस्टर तो ओरल में क्या होता है जो बोल के बताया जाता है रिटर्न में क्या होता है जो लिख के कम्युनिकेट किया जाता है ओरल में कम टाइम लगता है वही रिटर्न में बहुत टाइम लगता है ओरल कम्युनिकेशन जो होती है वो प्रोसाइज नहीं होती मतलब कई बार जो आपको पॉइंट की बात करनी होती है जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो आप भूल जाते हैं फालतू की बातों में लग जाते हैं लेकिन वहीं रिटर्न कम्युनिकेशन शुड भी आप ईमेल के थ्रू नोटिस के थ्रू अपने सबॉर्डिनेट या अपने ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉज तक बात पहुंचाते हैं डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड ओरल कम्युनिकेशन कभी कभी डिफिकल्ट होती है समझने में क्यों क्योंकि हर किसी का बोलने का समझने का प्रोनाउंसिएशन का तरीका अलग होता है वही रिटर्न कम्युनिकेशन जो आती है वो इतनी डिफिकल्ट नहीं होती समझने में लेकिन उसका भी सेंस बनना चाहिए ओरल कम्युनिकेशन जो होती है वो एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंडर आती है वही रिटन कम्युनिकेशन जो होती है वो फॉर्मल फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर आती है ओरल कम्युनिकेशन को कोई भी कैजुअली ले लेता है वही रिटर्न कम्युनिकेशन को सीरियसली लिया जाता है जैसे जब तक आपको बोला जा रहा है कि नेक्स्ट वीक से आपके यूटी स्टार्ट 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 है unit test start है या circle test start है यूनिट टेस्ट टेस्ट या सर्कल आप लोग उसको कभी भी सीरियसली नहीं लोगे जब आपके पास डेट शीट आ जाएगी ना तब आप उसको सीरियसली लोगे तो जब टीचर ने आपको ओरली बताया तुम आपने क्या किया उसको कैजुअली ले लिया वहीं जब आपको नोटिस आ गया प्रिंट होके आपकी डेट शीट आ गई तो वो क्या होगी एक रिटर्न कम्युनिकेशन होगी आपने उसको सीरियसली लेना शुरू कर दिया और पढ़ने लग गए ओरल कम्युनिकेशन नॉट वेरिफाइबल अब टीचर ने आपको बोल दिया कि तुम्हारे नेक्स्ट वीक से क्या है यूटी है या एग्जाम्स है पर आपने तो लीनियंटली ले लिया कैजुअली well ले लिया उनकी बात को आप पढ़े नहीं और नेक्स्ट वीक मंडे को आपका फर्स्ट यूटी है आप लोग पढ़ के नहीं आए तो आप क्या कहोगे हमें तो किसी ने बताया नहीं इवन टीचर ने बताया बट स्टिल आप बोलोग आप कैसे प्रूफ करोगे हम तो सब मना कर रहे हैं वहीं अगर आपके पास नोटिस होगा तो आपको टीचर आप ऐसा बोल ही नहीं पाओगे वेरीफाई हो जाएगा आपका रिटर्न कम्युनिकेशन तो ये अंतर होता है ओरल और रिटर्न कम्युनिकेशन थर्ड जो आता है दैट इज जस्टर

साइलेंटली या बिना तीसरे बंदे को पता लगे कम्युनिकेट करना तो यू विल जस्ट यूज यूर जेस्टरल कम्युनिकेशन ये एग्जाम्स में भी होता है जब आपको कोई आंसर नहीं आता तो यू गाइज यूक डिफरेंट डिफरेंट फेसिस सिर्फ बेस्ट फ्रेंड है जिससे आपको आंसर पूछना है वही समझ सकता है तो वो क्या होता है एक जेस्टरल कम्युनिकेशन होता है जेस्टरल कम्युनिकेशन हेल्प करता है सब ऑर्डिनेट्स को मोटिवेट करने में तो ये थे हमारे मैथड्स ऑफ कम्युनिकेशन इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर प्लस ये चैप्टर खत्म होता है अगर आपको इस चैप्टर के किसी भी लेक्चर में कोई कंफ्यूजन है कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। हम अपने अगले लेक्चर से नेक्स्ट चैप्टर चैप्टर एट कंट्रोलिंग स्टार्ट करेंगे टिल देन स्टे सेफ थैंक यू फॉर वॉचिंग प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज